कई बार जरूरत से ज्यादा इमोशनल यानी भावुक होना भी इंसान के लिए मुसीबत बन जाता है। अब पुलिस हिरासत में मौजूद इस शख्स को ही लीजिए। दिल्ली के कीर्ति नगर के रहने वाले 40 साल के इस शख्स का नाम है कृष्ण दत्त तिवारी। वैसे तो तिवारी पेशे से ड्राइवर है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे दो दो बच्चियों के अपहरण के जुर्म में गिरफ्तार किया है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा, यह अपहरण उसने कोई फिरौती वसूलने या फिर किसी और बुरी नीयत से नहीं किया, बल्कि भावनाओं के हाथों मजबूर होकर वो गुनहगार बन गया। जानते हैं उसकी भावना क्या थी? तो सुनिए, दो दो बेटों के पिता कृष्ण दत्त तिवारी को लगता था कि उसे अपनी एक बेटी होनी चाहिए, और इत्तेफाक से ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और वो दूसरों की बेटियों में ही अपनी खुशियां ढूंढने लगा, लेकिन गलत तरीके से, और इसी तरीके ने उसे पुलिस की गिरफ्त में पहुंचा दिया। कीर्तिनगर की रहने वाली एक 8 साल की बच्ची शुक्रवार को अचानक अपने घर से गायब हो गई। घर वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन इससे पहले कि पुलिस बच्ची को ढूंढ निकालती, अगवा करने वाले शख्स ने उसे अगली सुबह उसके घर के पास ही छोड़ दिया। वो हमारे बच्चे सार्वजनिक शौचालय के पास शौच करने के लिए गई थी। शौच करके जब वापस आ रही थी, इन्होंने बाइक द्वारा उस बच्ची को पापा के दोस्त बता करके इन्होंने घर पे छोड़ने के आदाय मेरी बच्ची को किडनैप कर लिए, उठा कर ले गए। हरिनगर के रहने वाले बता रहे हैं। अच्छा जी, कहाँ ले गए? वो अपने घर ले गए, उनके बीवी बच्चे सब हैं। अच्छा, क्या पता उसकी बेटी थी या नहीं, वो मेरी बच्ची को उठा कर ले गए, तभी तो बात हुई थी। इधर भी बच्चे को, उसमें ये भी बात है कि बच्ची के साथ कोई गलत काम तो किसी ने नहीं, बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है, बच्ची ठीक है। लेकिन एक बात और भी है कि वो खुद ही छोड़ गया, अगर वो चाहता तो नहीं छोड़ के जाता। खास बात यह है कि अगवा किए जाने के बाद न तो बच्ची के घर वालों को किसी ने फिरौती के लिए कोई कॉल वगैरह किया, और न ही उसने बच्ची के साथ कोई बदसलूकी की। ये मामला अपने आप में बड़ा अजीब था। अभी पुलिस इस मामले में लगी ही थी कि पुलिस को पता चला कि ठीक 2 महीने पहले हरिनगर इलाके से भी ऐसे ही 8 साल की एक बच्ची को किसी ने अगवा किया था और फिर उसे भी छोड़ दिया गया। अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो दोनों मामलों में एक ही शख्स का हाथ हो सकता है। उसके बाद हमने कम से कम 200 बाइक्स के अलावा के कम से कम इंक्वायरी करी। एक बाइक पॉइंट आउट हुई जिसमें वो कृष्ण दत्त तिवारी के पास मिली, और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस बच्ची को वो लेके गए थे। इसके अलावा हमारे यहाँ नवंबर में हरिनगर थाने एरिया से भी एक 8 साल की बच्ची को पहले किडनैप किया गया था। वो बच्ची 3 दिन बाद लौटी थी। वो मामला भी कृष्ण दत्त तिवारी ने एक्सेप्ट किया है कि वही उस बच्ची को भी लेके गए थे। जब उनसे इस बारे में और पूछा गया कि आप क्यों लेके जाते हैं, तो अभी तक उन्होंने जो जानकारी दी, जो पूछताछ में सामने आया है, यही बताया है कि उनके 2 बेटे हैं, बेटियाँ नहीं हैं। पर इस बात पे ज़्यादा निर्भर ना करते हुए हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका थोड़ा साइकेट्रिक असेसमेंट करवाने की हमें परमिशन दी जाए। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए छानबीन शुरू की। इस सिलसिले में पुलिस को एक CCTV फुटेज में आरोपी की बाइक नजर आई, लेकिन उसका नंबर साफ नहीं था। अब बाइक के धुंधले नंबरों के सहारे पुलिस ने उस मेक की 200 से ज्यादा बाइक का पता लगाया और फिर संदिग्ध की तलाश शुरू की। पुलिस को एक बाइक के रीसेल होने का पता चला, लेकिन इत्तेफाक से सेकंड हैंड बाइक खरीदने वाला शख्स अपने घर से गायब था। ऐसे में पुलिस का शक गहरा गया। पुलिस ने उसे धोखे से बुलाया और पूछताछ शुरू की, और उसका शक बिल्कुल सही निकला। ये कृष्ण दत्त तिवारी ही था जिसने एक बेटी की चाहत में एक एक कर 2 बच्चियों को अगवा किया और फिर उन्हें छोड़ दिया। वो परिवार है जिनकी बच्ची जो थी वो किडनैप कर ली गई थी। 25 तारीख को बच्ची को एक शख्स जिसका नाम कृष्ण तिवारी है वो लेकर चला गया था, हालांकि 26 को वो वापस छोड़ गया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। एक और हरिनगर का मामला भी सामने आया है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, और यही आज तक उस घर में पहुंचा है जहाँ पर ये पूरा जहाँ पर बच्ची रहती थी अपने फादर मदर के साथ। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और कितने मामलों में शामिल रहा है। बहरहाल मामला भले मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ हो, इस शख्स ने किया तो गुनाह ही है। ऐसे में उसे उसके गुनाहों की क्या सजा मिलती है, ये अब अदालत को तय करना है।